संविधान न्यूज पेपर में हम क्या रीड करें? जी ये तो है। दान न्यूज पेपर शुरू से रीड नहीं करना होता, शुरू में जब सीएसए स्टार्ट करते हैं ना तब दान न्यूज पेपर नहीं रीड करना होता। हमें भी यही बताया गया था कि हमें भी यही बताया गया था कि आप लोग सीएसएस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप दान को पकड़ें। ऐसा नहीं है बच्चे, दान हम पकड़ लेंगे, ठीक है दान हम पकड़ लेंगे, हमें क्या पता वहां पे वर्ब कौन सा है, नाउन कौन सा है, नाउन एग्रीमेंट कौन सा है, वर्ब एग्रीमेंट कौन सा है, हमें कैसे पता चलेगा ये? सबसे पहले हमें वो सारी चीजें भूली हुई होती हैं जो हमने मैट्रिक में पढ़ी होती हैं, हमने एफएससी में बीएससी में पढ़ी होती हैं, या मैट्रिक से भी लो क्लासेस में हमने जो चीजें पढ़ी होती हैं। तो ये सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आपका अच्छा है तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है, आपके लिए 1 साल और 6 महीने, 6 महीने आपके लिए काफी है सीएसएस की तैयारी करने के लिए। लेकिन शर्त यही है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा है। अब यहाँ पे मेरा इंग्लिश सेंटेंस, हाँ जी जी बोले। को हम किस तरह से सही करें, क्योंकि इसके लिए बहुत कौन सारे सी टीचर बुक्स सही हैं, अरविंद होगी? मार्टिन कह रहे थे कि पढ़ें, वो भी पढ़ लिया, उसके बाद भी इंग्लिश ग्रामर इतनी खास नहीं है और देखिए, रिटन स्पीच नहीं है। अगर आप किसी से भी पूछेंगे ना कि हम बेसिक स्ट्रक्चर अपना अच्छा करने के लिए हम कौन सी बुक पढ़ें, वो आपको फौरन कह देंगे रन मार्टिन की बुक पढ़ें। जी मैम, ऐसे सही है कह ना, रही हैं। आप किसी भी बंदे से पूछ लेना सीएसएस एस्पिरेंट से, वो ये कहेंगे आप रेनन मार्टन की बुक पकड़ लें। भाई रेनन मार्टन की बुक तो हम पकड़ लें, हमें भी पता है कि हमने रेनन मार्टन की बुक पढ़नी है, उससे पहले भी कुछ बेसिक चीजें होती हैं ना। जी सीएसएस और पीएमएस में पिछली बार लोगों ने धड़ाधड़ पता नहीं कितनी महंगी से महंगी किताबें ली थी, और उन्होंने जो पैराग्राफ उठाया था ट्रांसलेशन करने के लिए, पता है उन्होंने कहाँ से उठाया था? एफएससी की बुक से उठाया था उन्होंने पैराग्राफ। और पीएमएस की अभी भी मेरे पास ऐसे पेपर हैं, मेरे हाथों में अब इस टाइम उर्दू के 5 पेपर हैं जो उसने जो शेर उठाए हुए हैं वो एफएससी से और मैट्रिक की बुक से, उर्दू की मैट्रिक की बुक से उठाए हुए हैं। ये जिस तरह हम कहते हैं ना कि ऊंची दुकान पे फीके पकवान, तो वही बात होती है, हमें पता नहीं कितनी एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव बुक्स जो है वो अकेडमीज वाले जो हैं वो अलॉट कर देते हैं कि आप ये वाली बुक परचेज कर लें, ये वाली बुक परचेज कर लें। ये सारा कुछ इन्हीं बुक्स में है, जो पेयर ऑफ वर्ड है हमारे पेपर में आते हैं, इंग्लिश के पेपर में पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं, इडियम्स आते हैं, ये सारे के सारे एफएससी की बुक्स में, मैट्रिक की बुक्स में। और हाँ, अगर आप लोग इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा करना चाहते हो ना तो आप ये की जो इंग्लिश की बुक है उसको पकड़ लें बस। कौन सी मैम, इंग्लिश की बुक? बीए की मैं आपको ना, आप ग्रुप में हैं, जी, ठीक है, मैं आपको ना बुक का कवर सेंड कर दूंगी, वो आपके आसपास किसी के पास भी होगी, किसी ने भी बीए किया होगा, किसी भी सब्जेक्ट में उसने बीए किया हो लेकिन उसने इंग्लिश तो पढ़ी होगी, मैम। आपको वो बुक वहां से मिल जाएगी। और तो मैम, जो वहां से पंचेस वगैरह होती है उसको किस तरह से करें? उनके रूल्स पता होते पर पता नहीं होता कि हम ऐसे में किस तरह से पंचेशन पर ख्याल रखें। किस चीज का, पंक्चुएशन का? जी, बच्चे पंक्चुएशन जो है ना वो सेकंड स्टेप पे आती है, पंक्चुएशन सेकंड स्टेप पे आती है, पहले आप ये करें कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर अच्छा करें। अच्छा, अब सेंटेंस स्ट्रक्चर ये तो बार बार मैं कब से यही चीज एक ही विर्द जो है ना आपको बयान कर रही हूँ। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर से मतलब क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब ये है बच्चे, अगर आपको ना एक पैराग्राफ दिया जाए किसी भी एक, फर्ज किया मैं आपको कहती हूँ कि आप रेनी डे पे मुझे ना 10 लाइनें लिख के दिखाएं, आपने वो किसी भी बुक से ना पढ़नी नहीं है, बस अपने माइंड से ना आप 10 लाइनें लिख के दिखाएं, आपने वो लिखी है, अगर आपका लिखा हुआ मुझे बिल्कुल ठीक ठीक समझ आ रहा है आपने क्या लिखा है, अगर आपने कोई ऐसी उसमें वोकेबलरी का वर्ड यूज किया है जिसके लिए मुझे भी डिक्शनरी यूज करनी पड़े, तो ऐसे नहीं करना। हमेशा जी एग्जामिनर जो है वो ये चाहता है कि जो बच्चे ने लिखा है ना मुझे उसकी समझ आ रही हो कि उसने क्या लिखा है। आपने एक सादा और एक अच्छा वर्ड उठा एक अच्छा वर्ड उठाना है जिसे एग्जामिनर को भी आपकी समझ आए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जो बीए की बुक है ना इंग्लिश की वो उठा लें। अगर किसी की ठीक इंग्लिश उससे भी ज्यादा वीक है ना, अगर किसी की इंग्लिश उससे भी ज्यादा वीक है तो फिर आप एफएससी की बुक उठा लें, एफए की इंग्लिश की बुक, आप लोगों ने मिस्टर चिप्स जो बुक पढ़ी है ना इंग्लिश की उसके साथ आपकी दूसरी बुक भी है इंग्लिश की जहाँ से आप लोगों ने पेयर ऑफ वर्ड्स किए हैं, इडियम्स किए हैं,
सेंटेंस स्ट्रक्चर की है, वहां से आप लोगों ने बेसिक सेंटेंस किए हैं, तो सारे की सारी वही वाली चीजें जो है वो हमारे इस बार जो सीएसएस के एग्जाम हुए हैं, दो तीन सेंटेंस ऐसे थे जो इन्हीं बुक से उसने उठाए थे। बजाय इसके कि आप लोग मार्केट में जाएं, कोई एक्सपेंसिव बुक खरीदें, आप लोग ग्रैनर मार्टन की बुक खरीदें या कोई भी और बुक खरीदें, आप एक बार इन इन चीजों को देखें तो सही, सारा कुछ इन्हीं चीजों में पड़ा है सीएसएस का। हद तक कि वो जो पैराग्राफ उठाता है ना, वो भी इन्हीं बुक्स में से ही उठाता है। एफएसजी की बुक भरी पड़ी है पैराग्राफ से, आप लोग यहीं से उठाएं। जी अब पूछे, क्या पूछ रही हैं आप? मैं कह रही थी आपने एक बीएड का बुक बोला और दूसरा कौन सा का समझ नहीं है आपकी बात की मुझे। मैम, मैं कह रही आपने सजेशन दी ना बुक्स की, एक बीएड का कहा ना कि एक बुक को जो है बीएड का पढ़े इंग्लिश का, हाँ, जो बीए की बुक है एक ना, बीए की और बुक है ना, मैं दूसरा आपको कौन ग्रुप में सेंड करूंगी उसका कवर। बल्कि आप लोगों को डेली में थोड़ा थोड़ा, आपने मास्टर्स कब किया है? का। मैंने तो बीएससी की है फिलहाल, हाँ, बीएससी की। अब आप नेक्स्ट क्या कर रही हैं? अभी मैं फार्मेसी कर रही हूँ। अच्छा, तो ठीक है, आप साथ साथ इसकी भी आहिस्ता आहिस्ता तैयारी करना स्टार्ट कर दें। देखिए, अगर किसी बच्चे की इंग्लिश अच्छी नहीं है ना, तो आपका ना 1 साल तो कहीं नहीं गया। आप अपना, अगर आप अपने 6 महीने या 1 साल सिर्फ इंग्लिश पे लगा लेते हैं ना, तो बच्चे यकीन करें आपके लिए सीएसएस कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। जी मैम, मैं आप पहले सिर्फ और इसको सिर्फ अपनी ट्राई इंग्लिश पे करूँ, ध्यान दें। नहीं होती है, इतना जी ट्राई किया है, मतलब इंग्लिश इतना ट्राई किया है कि सही हो जाए, लिखने आ जाए, पर बहुत मुश्किल लगता है, नहीं हो मुश्किल पाता है। लगता है ना? देखिए, मुश्किल लगता है ना, जब बच्चा पहली बार चलना स्टार्ट करता है तो उसे कितना मुश्किल लगता है ना, वो कितना रोता है। और फिर तकरीबन 6 महीनों के बाद और 1 साल के बाद उसकी माँ उसको ढूंढ रही होती है, साथ वाले घरों से पूछ रही होती है, साडा बच्चा तो नहीं आया थोड़े घर? ऐसे है ना? जी ऐसा ही है। तो बस फिर ठीक है, आप अल्लाह का नाम लें और इंग्लिश की बुक उठाएं, और मत बताएं किसी को कि हम सीएसएस कर रहे हैं। आप आहिस्ता 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 से, जिस तरह दीमक लगती है ना लकड़ी को, उस तरह आप अपना काम शुरू कर दें। देखिए, काम जरूरत इंटर आप की लोगों बुक, को है ना, किसी इंटर और को तो जरूरत नहीं है। आप कोई भी बंदा देख लें जिसको इंग्लिश जी आती हो ना, आप उसके पीछे पीछे पड़ जाएं कि भाई साहब ये मुझे सिखा दें, भाई साहब ये मेरा सेंटेंस देखें, ये ठीक है। वो ना भी आपकी बात माने ना, आपकी इंसल्ट करे, फिर भी आप उसको चेक करवाएं। मैम, आप जैसे टीचर मिल जाती तो अच्छा हो जाता, ऐसे कौन सुनता है तुम्हारी। मैं आपको कह रही हूँ ना, मैं आपको डेली का ग्रुप में थोड़ा थोड़ा काम सेंड कर दिया करूंगी। आप लोगों की अगर कोई डिग्री चल रही है, उसे भी आप लोग कंटिन्यू करें, और इसको भी थोड़ा थोड़ा करें आप साथ। सीएसएस ऐसा नहीं है कि आप आए 6 महीने दें अपनी बुक्स को, आप कहें मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, मैं पेपर दे दूं और मैं पास हो जाऊं। मुझे सीएसएस वो गेम नहीं है। सीएसएस जो है ना, ये एक ऐसी गेम है जो शुरू से बचपन से ही हमें बच्चों को बता देना चाहिए कि अगर आप सीएसएस कर रहे हैं तो आपको ये चीज पढ़नी है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता। जब बच्चा मास्टर कर लेता है तब वो सोचता है कि अब मैंने क्या करना है। ऐसा ही है तो जी अब आप लोगों के पास अब टाइम है ना, इससे पहले कि आप लोगों को मास्टर किए हुए 3 साल गुजर जाए या 2 साल गुजर जाए या 5 साल गुजर जाए, आपके घर वाले भी आपको जो खाना देते हैं ना, वो भी दूसरी तरफ मुंह करके दें। कितने साल हो गए इसने मास्टर कर लिया, इसकी जॉब अभी तक नहीं हुई। तो आप लोग अभी से कमर कसे ना, थोड़ा थोड़ा भी करना शुरू करें ना, थोड़ा थोड़ा भी, तो आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। चाहिए, जी आपकी एक हेल्प चाहिए जो ना, हम डेली बेसिस पे या हफ्ते में ही तो हम कोई भी आपको पैराग्राफ लिख के अपनी वर्डिंग में दिखाएं, ताकि आपको जो मिस्टेक्स लग रही है पंक्चुएशन में या वर्डिंग में आप हमें बता सके, इस तरह से हमें देखिए, प्रैक्टिस होती आप लोगों को अगर नहीं लिखना आता ना, है। अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको ये पता नहीं चल रहा कि हमने सब्जेक्ट पहले रखना है या ऑब्जेक्ट पहले रखना है, यानी कि जी आपने सेंटेंस इस तरह से लिखा है ना कि उसकी टांगे ऊपर कर दी और सर उसका नीचे कर दिए, फिर भी आप लोग लिखें, फिर भी लिखें, गलत होगा जी ना तो क्या होगा? मैम, कौन वही सा टाइम किसी ने वेस्ट कुछ कर कहने में? रहे थे, थोड़े टाइम के लिए इवोल्यूशन को ये सब करके दे, ताकि हमें पता चले हमारे मिस्टेक्स कौन सी हैं, क्योंकि हमें खुद ये नहीं बात पता होता कि मिस्टेक्स क्या हैं। तो ठीक है, आप इधर करें, ग्रुप में काम करें। मैं आपको डेली का एक 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 वर्ड, दो दो वर्ड भी आप लोग स्टार्ट करें ना करने, तो आप लोग कर लेंगे। जी
बस आप चेक करके बताएं, भले आप हफ्ते में रख दें, मंथ में रख दें, पर मतलब हमारी इवोल्यूशन होती रहे, ताकि हमें फिर लेकिन ना बच्चे शर्त अपॉइंट। ये है कि आप लोग काम करें ना, मैं आप लोगों के लिए वक्फ हूँ, आप लोग काम करें। अब आप लोग काम भी ना करें, इस तरह बंदा ग्रुप भी बनाए, बंदा अपना टाइम भी दे, फिर आगे से बच्चे करें काम ना करें ना, तो फिर बहुत बंदा इरिटेट होता है। आप जो कहेंगे वो करेंगे। इधर शायद सर भी बैठे होंगे, इन्हें शायद पता होगा मैंने अपनी क्लास वालों के लिए ना ग्रुप बनाया, और वहां पे मैंने हर मेथड यूज किया वहां पे उन्हें ये सिखाने के लिए कि आप लोग वोकैबुलरी याद करें। मैं आपको ना वो एक ऑडियो अपने सेंड करूंगी कि मैंने उन्हें किस तरह से समझाया है कि अस्सलाम वोकैबुलरी वालेकुम। याद मैं करें। मेरा एक क्वेश्चन है, ये है कि इंग्लिश ऐसे हमारे से कौन से सब्जेक्ट हमें चॉइस करना चाहिए, कौन से सॉरी क्लास के जो ना ऐसे करने चाहिए, या कोई अगर आपके पास इसके हवाले से कोई मुआद है तो काइंडली जो ना मुझे सेंड कर दीजिएगा। इंग्लिश ऐसे के लिए बच्चे आप किस चीज का पूछ रहे हो? इंग्लिश ऐसे के लिए हाँ अभी आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? वैसे फाइनली हो रही है? आई जी एम सर, हो रही है। एबल टू शेयर माय स्क्रीन। सर इसे थोड़ा नीचे कीजिएगा, ऑप्शन वन से। ऑप्शन वन, एक मिनट में दूसरा पेज ओपन कर लूँ। एक्सक्यूज जी मैम, ये जो सारी क्लासेस हैं ये फ्री में है? हाँ, 10 तक तो फ्री है। तो मतलब किस हवाले से आपने ये फ्री में रखे हैं, क्योंकि आज के जमाने में तो कोई फ्री नहीं पढ़ाता। ये इसलिए रखी है ना कि अब देखिए, अगर डायरेक्ट आप लोगों को हम कहें कि हम ना पढ़ा रहे हैं, पैसे लेके आप लोग हमारे पास आके पढ़ लें, ऐसे आप लोग पढ़ लेंगे? हाँ ये भी है। हम किसी दुकान पे भी कोई चीज लेने जाते हैं तो वहां से हम देखते हैं कि वो इसका रेट क्या है, वो चीज अच्छी है या नहीं अच्छी, जी, सही कहा तो आपने। इसी वजह से 10 तक फ्री क्लासेस रखी हुई है ओरिएंटेशन। चलिए अब हम अपना इस्लामिक का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके हाँ बाद जो भी आप लोगों के स्क्रीन क्वेश्चन शेयर हो होंगे। रही है? स्क्रीन जी सर, हो रही है बस। हो रही ओके कंटिन्यू करें। है कारण। अच्छा चले, अच्छा आपका नाम क्या है? कल आप कह रही थी ना कि ये इसका पेपर बहुत मुश्किल है, इसके ऑप्शन। आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी, कल आप कह रही थी ना कि ये पेपर बहुत मुश्किल है इस्लामियत का, आज वाला देखें जो मैं आज पेपर लेके आई हूँ, ये मुश्किल है या आसान है? कुरान मजीद की हाँ सबसे ये लंबी सूरत कौन आसान सी है? है। एक मिनट, एक हाँ ये हम सबको पता है। मिनट, और उसके बाद बागे फिदक नबी सूर्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला था, कैसे मिला था? बतौर मालिफ है या बतौर तोहफा या बतौर कर्ज या बतौर माली गनीमत? मैम ये तो टिक लगा हुआ है बी पे। ये मैंने चारों पे लगा दिया ना, पहले एक पे लगा हुआ था, फिर मैंने चारों पे लगा दिया कि बच्चों को पता ना चले। बतौर मालिक गनीमत होगा जी यही वाला है, थर्ड वाला पढ़ें। अरबईन अहदीस की वो कौन वो किताब होती है जिसमें अहदीस दर्ज हो? मैम, ये 14 ये मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा ये ना आपको इस चीज से पता चल जाएगा, अगर आप अरबी में ना काउंटिंग याद कर लें 10 तक, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। अरबी में जो 4 है उसको हम यही कहते हैं, अरबईन, वाहिद, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, समानिया, ये वाला अगर आप लोग ये याद कर जी लें तो। सर इसे ऑप्शन नेक्स्ट आगे पेज कीजिएगा। नंबर 3 या उससे अगला पेज? उससे नेक्स्ट ओके हो गया, ये हो गया। चलें ठीक है। जबले नूर बताएं बच्चे, जबले नूर कहाँ पे वाक्य है? मैदाने अरफात में, या गारे हीरा में, या गारे सूर में, मदीना मुनव्वरा में? गा रहे ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये बताएं कहाँ पे है? मैदान अरफात में, गारे हीरा में, गारे सोन में, या मदीना मुनव्वरा में? हैं। ये इसका आंसर मैंने इस तरीके से याद किया हुआ है कि जो हीरा होता है ना वो हमेशा नूर की तरह चमकता रहता है, तो ये फिर मुझे कभी नहीं भूला, जबले नूर जो है वो गारे हीरा में है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बताएं, किस मुल्क को अम्बिया की सरजमीन कहा जाता है? इराक, सऊदी अरब, फलस्तीन या शाम? जी
फलस्तीन जी ठीक है। उसके बाद जू शहादतैन लकब है हजरत किसका, हुजैमा बिन साबित का, या हुजैफा बिन ईमान का, या अमार बिन यासिर का, या इमाम अबू हनीफा का? इसमें ये आप एलिमिनेट करके बिन देखने, इमाम अबू हनीफा तो इसमें हो नहीं सकता, बाकी इन तीनों में सकता है। साबित। ठीक है अच्छा, अब बस ऑप्शन करने की बस करते हैं, अब हम अपने एक टॉपिक कर लेते हैं इस्लामियत का। ठीक है मैम आज जनरल साइंस आज होगी क्लास? जी जनरल आज साइंस क्लास जनरल साइंस की जगह पे ना आपकी होगी पॉलिटिकल साइंस की क्लास। फर्स्ट 3 डेज जो है ना आपकी जनरल साइंस की क्लास होती है, अगर पॉलिटिकल साइंस की क्लास नहीं होती है तो आपकी जनरल साइंस की क्लास हो जाएगी। सर, अगर पॉलिटिकल साइंस किसी का नहीं है पॉलिटिकल साइंस नहीं है तो वो फर्स्ट 3 डेज तक वेट कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे का पॉलिटिकल साइंस नहीं है तो बच्चे को उसे जरूर ऑप्ट करना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस अच्छा सब्जेक्ट है। चलिए मैम इस पे हम एक्चुअली बाद में बात कर। टीचर्स ने ये कहा था कि अगर जिसका रट्टा अच्छा है तो वो पॉलिटिकल साइंस ले, अगर जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो वो इंटरनेशनल रिलेशन ले ले, तो इस हवाले से हमने पॉलिटिकल साइंस नहीं लिया था। चलिए ठीक है, आप वही चीज रखें जो आपके माइंड को ना सूट करती है। यस मैम। इन दोनों में से अगर पॉलिटिकल साइंस में रिलेशन के अंदर है, इंटरनेशनल रिलेशन में थोड़ा ज्यादा है सिलेबस और पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा सा कम है। यस मैम, अभी तक इस बारे में डिसाइड नहीं किया है, फिलहाल कंपल्सरी हो जाए। चलिए ठीक है, जब वो आप आगे पढ़ेंगे ना फिर खुद ब खुद ही आपके लिए रास्ते ओपन होते जाएंगे और आपको पता चलता जाएगा। अच्छा आज हमने ना टॉपिक करना है इस्लाम के बुनियादी कायद में से अकीदा तौहीद। अकीदा का मतलब क्या होता है वैसे, और कौन कौन से इस्लामी अकायद होते बिलीफ, हैं पता है किसी को? अकीदा मीन्स बिलीफ। जी बताएं अकीदा का मतलब क्या होता है, बिलीव मैम बिलीफ और इसके अलावा और पुख्ता यकीन। पुख्ता यकीन, मतलब किसी भी चीज को इतनी अच्छी तरह से बांध देना कि वो दोबारा खुल ना सके, या बच्चे ये अपने माई को बार बार ये इसमें सॉरी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी आ रही है। हाँ ठीक है, अकीदा का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को इतना मजबूती से बांध देना कि वो दोबारा खोल ना सके, अगर हम उसको खोलना भी चाहें तो फिर भी वो अनटाई ना हो सके, और हम किसी भी चीज की इस हद ऊंचाई तक हम चले जाएं कि दोबारा हमारे पास नीचे आने का कोई रास्ता ना हो। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं पुख्ता यकीन और अकीदा अकद। अकीदा जो है वो अगर पेपर में आ जाता है तो आपने इसको इस तरह से स्टार्ट करना है कि अकीदा वर्ड जो है ये अकद से निकला है, जिसका मतलब होता है गिरा लगाना या बांध देना या ऊंचाई के उस मुकाम तक चले जाना जिससे वापस की रसाई नामुमकिन हो। ठीक है, और अगर हम अकीदा तौहीद की बात करें तो अकीदा तौहीद में हम क्या कहते हैं, किस चीज पे ईमान लाने को कहते हैं? हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो एक है, यानी अल्लाह एक है। हम कह देते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, उसके बाद हमारे पास वापस आने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती जब हम कह देते हैं कि वो एक है। फिर हम उसके साथ ये भी कह देते हैं आगे अल्लाह समद, ठीक है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो किसी की औलाद नहीं और ना उसकी कोई औलाद है, वो हमसर है और यकृत है। ये हमने इसमें लाजमी लिखना है। ये कल भी मैंने आपको बताया था कि जब भी वहदानियत की बात होगी हम उसमें ये चीज जरूर कोट करेंगे। और इस्लाम के बुनियादी अकायद में से सबसे पहला कि यही होता है अल्लाह ताला को एक मानना। अगर कोई भी इंसान जो है वो इस्लाम के दायरा कार में दाखिल हो गया तो उसको ये बात माननी है हर हाल में कि अल्लाह ताला पर मुझे ईमान लाना है। अल्लाह ताला पर ईमान क्या लाना है, मतलब बिना किसी भी बात की शक किए, बिना चूचा किए अल्लाह ताला की तमाम तरजवा जात, उसकी सफात और हर चीज से उसको कादिर और मुतलकुल एनान रखना, यानी ये अपने माइंड में बिठा लेना।
कि वो समीर बसीर है, उसका कोई भी काम उसकी मर्जी से नहीं होता, किसी भी काम को करवाने के लिए उसे सिर्फ कौन कहना पड़ता है, और फिर वो आगे काम फायदा कौन से खुद ब खुद हो जाते। और उसके बाद जहाँ पे भी हम ये बात जिक्र करते हैं कि अल्लाह ताला परिमान, अल्लाह ताला ये भी कहता है कि मैं अपने रसूल पे दरूदो सलाम भेजता हूँ, ऐ ईमान वालों तुम भी मेरे रसूल पे दरूदो सलाम भेजो। इसका मतलब यही है, वो ये कहता है कि जो इंसान मुझ पे ईमान लाता है वो मेरे रसूल पे भी ईमान लेके आए। ठीक है, उसके बाद जब हम ये कहते हैं रसूलों पर ईमान लाने के मतलब, यानी कुछ मसाइब दुनिया के ऐसे हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी नहीं मानते, जब हम ये बात लिखेंगे रसूलों पर ईमान लाना, पहले जब आपने ये लिखना है अल्लाह ताला पर ईमान लाना, तो उसमें सूरह इखलास जो है वो आपने कोट करनी है। और उसके बाद जब हम ये लिखेंगे रसूलों पर ईमान लाना, तो अल्लाह ताला इस बारे में वाजिया कहते हैं कि कोई भी इंसान उस वक्त तक कामले ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो इस बात की तस्दीक ना कर दे कि मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, वो तमाम अंबिया कराम से उम्दा है, वो आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जैसे कादियानी कहते हैं ना कि वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी नहीं मानते, जबकि हम तो मानते हैं ना। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मैं अंबिया की इमारत में से एक ऐसी ईंट हूँ जो इमारत में से वो जगह खाली रह गई थी और मैंने आगे उसको फिल कर दिया। ठीक है, फिर अल्लाह ताला कुरान पाक में ये भी कहते हैं कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाह खातमुन नबियीन, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, वो अल्लाह ताला के रसूल और आखिरी नबी है। और जहाँ पे हम ये सारी इस इन सारी चीजों पे ईमान लाते हैं ना, यानी अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, रसूलों पर ईमान लाते हैं। अब देखें, हमने इस्लाम के बुनियादी कायदे से स्टार्ट किया ना, जब हमने अल्लाह ताला पर ईमान लाने की बात की तो वहां पे भी हमें अरबी मिल गई लिखने के लिए, कुल हुव अल्लाह वहद। अगर आपको अरबी नहीं आती तो ठीक है, आप सूरह इखलास का तर्जमा लिख दें। उसके बाद रसूलों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाने का उसमें भी मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या चीज उसमें लिखनी है। तो मुझे ये चीज सूट कर रही है, माँ का नाम मोहम्मद अबाहदी, मैंने ये चीज इसमें, मुझे क्योंकि ये चीज मुझे याद है। अगर आपको कोई और चीज याद है तो आप वो लिख दें, कोई और अहदीस आपको याद है, कोई और कुरान पाक की आयत आपको याद है तो आप वो इसमें कोट कर दें। थर्ड है हमारे पास होता है फरिश्तों पर ईमान लाना। अब जहाँ पे हमने ये कहा कि हम अल्लाह ताला पर भी ईमान लाए हैं, रसूलों पर भी ईमान लाए हैं, तो वहां पे हमें इस चीज पे भी ईमान लाना है कि इस दुनिया में और आसमानों के गिर्द ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं और अल्लाह ताला की इबादत करते रहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत और अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद होते हैं, और वो इस चीज का इंतजार करते रहते हैं कि कब हमारा रब हमें हुक्म दे कि हमने क्या करना है। और इन पर ईमान लाना लाजमी होते हैं। और जब जो फरिश्ते जो हैं अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं और अल्लाह ताला के आगे सजदा खम होते हैं, तो जब अल्लाह ताला ने आदम को बनाने का अहद किया था तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को, चलिए मैं आपको ये बात यहाँ पे बता देती हूँ फरिश्तों के बारे में भी कि फरिश्तों पर ईमान लाना क्यों जरूरी है। सबसे पहले जब अल्लाह ताला ने आदम को बनाने का सोचा था तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा था कि आप दुनिया से जाए मट्टी लेके आए, मैं इंसान बनाना चाहता हूँ। जब वो मट्टी लेने के लिए आए तो उन्होंने कुछ मट्टी उठा ली और बाकी मट्टी जो है ना वो रोने लग गई थी कि मुझे छोड़ के ना जाए, मुझे भी साथ लेके जाए। तो जैसे होता है ना कि दिल को ऐसे जैसे कोई चीज खींच रही हो, तो उनको ऐसे फील होने लग गया, उन्होंने वो मट्टी वहीं छोड़ दी। उसके बाद हजरत इसराफील को भेजा तो वो भी, उन्होंने भी ये सेम यही प्रोसेस किया कि मेरा दिल नहीं मानता, बाकी मट्टी रोती है तो मैं उसे नहीं लेके जा सकता। हजरत जिब्राइल ने यही किया, हजरत इसराफील ने भी यही किया, और उसके बाद हजरत मिकाईल आए, उसने भी यही किया, सॉरी उन्होंने भी ये किया। उसके बाद जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने जब मट्टी उठाई और बाकी मट्टी जो है वो रोने लगे, उसके बावजूद भी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जो है वो मट्टी को उठा के लेके गए, जिससे अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया था। तो तब अल्लाह ताला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे ये ड्यूटी लगा दी थी कि आप इंसानों की रूह को कब्ज करेंगे। इस वजह से बाकी कोई भी फरिश्ता रूह कब्ज नहीं करता, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम इसी वजह से इंसानों की रूह कब्ज करता। जब अल्लाह ताला ने मट्टी का पुतला बना दिया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम का, तो उन्होंने फरिश्तों ने कहा था क्या हम आपकी इबादत करने के लिए काफी नहीं है, तो तब उन्हें अल्लाह ताला ने ये जवाब दिया था कि मैं वो कुछ जानता हूँ जो आप नहीं जानते,
अब यहाँ पे आपने क्या चीज कोट करनी है, आपके माइंड में क्या आ रहा होगा? जो पहला पारा है कुरान पाक का, सूरह अल बकरा है, वहां पे अल्लाह ताला ने वहां फरिश्तों को कहा हुआ है कि मैं ए मलाइका, मेरे मलाइका, मैं वो कुछ जानता हूँ जो आप नहीं जानते, मैं देख रहा हूँ कि ये लोग जमीन में क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया था, तो अल्लाह ताला ने कहा था फरिश्तों को कि इसे सजदा करो, तो वहां पे लिखा हुआ है ना आदमा इब्लीस, तो सारे के सारे जो फरिश्ते हैं वो झुक गए थे सजदे में, बट जो इब्लीस है उसने सजदा नहीं किया था। अब यहाँ पे आप वो चीज कोट कर सकते हैं। उसके बाद है किताबों पर ईमान लाने। किताबों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और इनके ऊपर नाजिल होने वाली किताब भी आखिरी किताब है, ठीक है? जैसे बाकी जो पैगंबर थे ना, हजरत ईसा अलैहि सलाम पे, हजरत मूसा पे, हजरत दाऊद अलैहि सलाम पे जो बुक्स नाजिल होती, तौरात, जबूर और अंजील, वो अपनी असली शक्ल में नहीं है अब, लेकिन कुरान पाक जो है वो अपनी असली हालत में है। जिस तरह नाजिल किया गया था, ये उसी तरीके से ही अपनी असली हालत में है। और जब क्यामत आएगी, तो क्यामत से कुछ टाइम पहले कुरान पाक के जो अल्फाज हैं, ये खुद ब खुद ही गायब हो जाएंगे। तो किताबों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने लोगों की हदायत के लिए पैगंबर और नबी मबऊस फरमाया, ताकि वो नेकी और बदी में तमीज कर सकें। यानी ये कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक क्यों नाजिल किया, क्या मकसद था? जब अल्लाह ताला ने अपना पैगंबर भेज दिया, तो वो काफी नहीं था इंसानियत को इंसान बनाने के लिए? अल्लाह ताला को पता था कि जब मैं अपने महबूब को वापस बुला लूंगा, तो ये लोग जो हैं दुनिया में शर और फसाद पैदा करेंगे। अल्लाह ताला ने शर और फसाद के जितने भी इनके मकासद थे, या इतने इनके जो जितने भी सलूशन थे, वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रख दिए थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें इससे सलूशन ना मिल सकता हो, तो फिर हम क्या करें? फिर उन्होंने ये भी कहा कि बाहमी मशावरत से आप लोग इसके फैसले करें। हम यही करते हैं ना, जैसे हमारे गांव में होता है, पूरे पंचायत इकट्ठी होती है, तो वहां पे लोग एक दूसरे के फैसले करते हैं। सेम इसी तरीके से आप किसी भी सिटी लेवल पे चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट लेवल।